गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम आज जिस टॉपिक का स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सेक्सुअल पार्ट है हमारे प्लांट का, फ्लावर से रिलेटेड है। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड पुष्पक्रम। मीन्स जो फूलों का, फ्लावर की अक्ष पे, पुष्प की अक्ष पे फूलों के लगने का जो क्रम है या लगने का जो अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। किस व्यवस्था से हमारे फ्लावर्स, किस अरेंजमेंट से हमारे फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे लगते हैं, पुष्प की अक्ष पे लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। फ्लावर, ये हमारा अगर फ्लावर है, इसके वृंत को हम पेडिशिल बोलते हैं, पुष्प वृंत। और जो पुष्प क्रम का, जिस पे, जिस फ्लोरल एक्सिस पे सारे फ्लावर लग रखे हैं, उसकी एक्सिस को हम पेडेंकल बोलते हैं। तो सॉरी, उसके जो वृंत है, स्टाक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेडेंकल कहते हैं। ये पुष्पावली वृंत हम उसको कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस के जो स्टाक है, उसको हम पेडेंकल या पुष्पावली वृंत कहते हैं। जो फ्लोरल एक्सिस पे द फ्लावर हैं, दो तरह से लग सकते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज मींस जब फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं, मींस नए फ्लावर आगे लगते जाते हैं, पुराने फ्लावर नीचे लगे रहते हैं। मींस ये जो ऑर्डर है सक्सेशन, ये बढ़ता रहता है और ये अनलिमिटेड मेन एक्सिस जो है लंबी होती जाती है, नए नए फ्लावर ऊपर लगते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिमोज। साइमोज, जब लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, मेन फ्लावर जो है ऊपर लग गया, एक फिक्स टर्मिनेट मेन फ्लावर, पहला फ्लावर लग गया, उसके बाद नीचे और फ्लावर लगते हैं, तो लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम है साइमोज या ससी माछी। पहले हम जो रेसिमोज है उसके डिफरेंट टाइप्स का अध्ययन करेंगे। एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं, मीन्स बड़े फ्लावर नीचे और छोटे फ्लावर ऊपर। लेकिन फ्लावर भी कई तरह के होते हैं। कुछ फ्लावर में पेडिशिल होता है, पुष्पवृंत होता है, किसमें नहीं होता है। तो इनको तो ये पेडिशिलेट फ्लावर हो गए, जिसमें नहीं हो उनको हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो ये तो पेडिशिलेट फ्लावर है। एग्जाम्पल के लिए, एक्रोपिटल सक्सेशन में अगर कोई फ्लावर लग रखे हैं रेसिमोज मैनर है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिम, असी माछी असी माछ, या रेसिमोज रेसिम। ये जो हमारा फ्लोरल एक्सेस है, ये कंबाइंड हो रखी है, ये सारे जो पेडिसल्स हैं वो एक ही जगह से, मीन्स कॉम्पैक्ट यहीं से निकलेंगे, तो उसको हम कैपिटलोमिया हेड बोलते हैं। ये सनफ्लावर में पाया जाता है। कॉरिम्ब, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में जो हमारे पेडिशिल होंगे, सारे एक ही जगह पे वो ऊपर अपना एक रो बनाते हैं। सारे फ्लावर एक ही जगह पे अपना क्या कर रहे हैं, एक जो दिख रहे हैं, एक ही जगह पे दिख रहे हैं, लेकिन इनके जो पेडिसल हैं, ये नीचे वालों के थोड़ा लंबे हैं, नीचे से हैं, ऊपर वाले के ऊपर से, इसको हम बोलते हैं कॉरिम्ब। आमबेल, जब एक ही जगह से सारे पेडिसल ग्रो करते हैं, अक्ष, एक ही अक्ष से, एक्सिस से सारे ग्रो करते हैं और वो एक ही हेड बनाते हैं, उसको हम एम्बल बोलते हैं। ये ओनियन या प्याज में पाया जाता है। कंपाउंड एम्बिल, कंपाउंड एम्बल कोरिंड्रम, जिसको हम कोरिंड्रम सेटिवस, धनिया, कोरिंडर में पाया जाता है। ये यहां से, ये पेडेंकल, एक पेडेंकल, दो पेडेंकल निकले, एक ही जगह से निकले, बट उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, मीन्स पेडिसिल यहां होंगे, यहां पे चार सात आठ फ्लावर होंगे, छह सात इस तरह से फ्लावर हो एक एक्सेस, लेकिन जो उनका जो नीचे से एक जो गुच्छा है, फ्लावर का जो बंच है, वो एक ही जगह से निकल रखे, लेकिन ऊपर के हैं फ्लावर ज्यादा है, यहाँ पे ऊपर फ्लावर एक ही है, यहाँ पे ज्यादा फ्लावर है, जिसको हम कंपाउंड एम्बेल अम्बेल बोलते हैं। अम्बेल एक ओरिएंटर में पाया जाता है। स्पाइक, सेम पैटर्न है, लगने का पैटर्न एक्रोपिटल है, रेसिम है, लेकिन रेसिम इसलिए नहीं बोलेंगे इसको, स्पाइक मिस, ये सारे रेसिमोज, रेसिम है, रेसिमोज कैपिटलम, रेसिमोज कॉरिम, रेसिमोज अम्बेल, रेसिमोज स्पाइक। स्पाइक क्यों? एक्रोपिटल पैटर्न है, लेकिन फ्लावर सेसाइल है, मींस इस इन फ्लावर में पेडिसिल नहीं है, पुष्पवृत्त नहीं है। एमरेंथस इसका एग्जांपल है। कैटकिन, ये उल्टा स्पाइक हो गया, मोरा सेल्वा या सैतूत में पाया जाता है, ये उल्टा लटकता है, उल्टा स्पाइक हो गया, सेसाइल फ्लावर है। पेनिकिल,
पेनिकल को हम कंपाउंड रेसिम भी बोल सकते हैं, जो रेसिम की ब्रांच है एक यहाँ पे, जिस तरह से ये रेसिम था पेडिसलर फ्लावर, लेकिन एक इसके ब्रांच हो गए, उसमें भी क्या हो गए, कौन से फ्लावर लग गए हमारे, रेसिम फ्लावर मीन्स पेडिसलर फ्लावर। मैंगो में इस टाइप का जो कंपाउंड रेसिम मैंगो इसका एग्जाम्पल है। वीट कंपाउंड स्पाइक है, स्पाइक मीन्स सेसाइल फ्लावर है बट कंपाउंड है ये, इसको हम कभी कभी स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट भी बोलते हैं, इसको हम एक को बोलेंगे स्पाइक लेट। इसमें ग्लूम बाहर से जो है कवरिंग के लिए जो ऑर्गन पाए जाते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट हम व्हीट में बोलते हैं क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस फ्लावर में। स्पेडिक्स, इसमें ये फ्लैसी हो जाते हैं, इसमें जो बाहर के जो कवरिंग है फ्लैसी हो जाएगा, जिस तरह से आपने देखा होगा बनाना केले में इस टाइप का, जिसको हम स्पेडिक्स बोलते हैं। और कंपाउंड स्पेडिक्स का एग्जांपल है कोकोनट नारियल। तो ये सारे रेसिमोस के एग्जांपल हैं, मींस जिनमें फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन या एक्रोपिटल ऑर्डर में लगते हैं, मींस नए फ्लावर ऊपर और पुराने फ्लावर नीचे और फ्लोरल एक्सिस जो है बढ़ती जाती है। सेकेंड है साइमोज, ससिमाची, जिसमें लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। इसके चार टाइप्स होते हैं, मोनोकैजियल मींस एक ही ब्रांच है, साइड साइड में एक ही फ्लावर लग रहा है। डाइकैजियल मींस डबल डबल ब्रांचेस पेयर होती जाती हैं, यहाँ पे ये फिक्स हो गया फ्लावर, फिर इसका फ्लावर यहाँ फिक्स हो गया, साइड में निकल गया। पॉलीकैजियल, इससे भी ज्यादा ब्रांचेस, इसके अंदर भी एक और ब्रांचेस आ जाएगी, मींस है साइमोज पैटर्न, मींस लिमिटेड ग्रोथ है, एक फ्लावर पहले लग जाएगा एक्सिस में, टर्मिनेट लग जाएगा। और इसी एग्जाम्पल है मोनोकैजियल के बेगोनिया है, डाइकैजियल का जैस्मिन है, पॉलीकैजियल का कैलेट्रोपिस है, और साइमोज कैपेटुलम का मिमोसा पुडिका, अकेसिया भी इसका एग्जाम्पल है, मिमोसा पुडिका जिसको हम छुई हुई है। कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है, विशेष प्रकार के हैं। एग्जाम्पल के लिए साइथियम इफोर्बियम है, इसमें क्या होता है कि मेन बीच में एक फीमेल फ्लावर बड़ा सा डेवलप होता है और उसके साइड में बहुत सारे मेल फ्लावर लगते हैं। दूसरा है वर्टिसलेटर ओसिमम सेंक्टम, जिसको हम तुलसी बोलते हैं, लेमियसी फैमिली में पाया जाता है। इसमें बीच में दो इसके जो ब्रांच हो गए एक्सेस हो गए, तो यहाँ पे ये नंबरिंग पैटर्न पे ये मेन फ्लावर वन है, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, इस टाइप पैटर्न में ये इस टाइप के फ्लावर लगते हैं। ये वर्टिसलेटर वर्टिसलेटर पैटर्न ये तुलसी में पाया जाता है। हाइफेंडोडियम है फाइकस, अंजीर में ये पाया जाता है, फाइकस की और स्पीसीज में भी ये पाया जाता है अंजीर में। इसमें क्या है, एक ये थिक हो गया हमारा एक्सिस, ये थिक हो गया बाहर से और इसके बीच में मेल फ्लावर और चारों तरफ से छोटे छोटे क्या है बीच में फीमेल फ्लावर और चारों तरफ से मेल फ्लावर, नर फ्लावर उसको फीमेल फ्लावर को घेरे रहते हैं। तो ये हाइपेथोडियम जिसके एग्जांपल फाइकस है, ये स्पेशल टाइप के जो हमारे पास क्या है इन्फ्लोरेसेंस। तो आज हमने इस वीडियो में इन्फ्लोरेसेंस मीन फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर किस तरह से लगते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, मेनली दो टाइप्स हैं अगर इनको ब्रॉडली देखें, रेसिमोस असीमाची जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके भी अलग अलग तरीके, किसी में पेडिसल है किसी में नहीं है, मीन्स वो लिमिट ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है, आपने सरसों का पौधा देखा होगा, उसमें नीचे क्या है फ्रूट बनने लगते हैं, ऊपर के फ्लावर छोटे छोटे लगते हैं। तो कभी पूरे प्लांट में जब हम इसको निकाल के लाते हैं तो नीचे तो फ्रूट बना है और ऊपर फ्रूट पूरा डेवलप नहीं हो रहा था, छोटे 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 फ्लावर ऊपर लगे रहते हैं, रेसिमोस पैटर्न। साइमोस सेकंड जो अगर हम ब्रॉड सेंस में इनका अध्ययन करें, इन्फ्लोरेसेंस के जिसमें फिक्स ग्रोथ है, एक टर्मिनेट एक फ्लावर पहले लगे उसके बाद नीचे सारे फ्लावर, तो फ्लोरल एक्सिस में लिमिट हो जाती। और बाकी स्पेशल टाइप्स के हमने जो साइथियम वर्टिसलेटर और हाइपेथोडियम का अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर